गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट लोक प्रशासन के सेकंड पेपर के अंदर अपन ने पिछली क्लास में संघ कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। संघ कार्यपालिका के अंदर तीन बिंदु होते हैं, इसमें पहला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इन तीनों का अपने को विस्तारपूर्वक अध्ययन करना है। अब अपन पहला जो टॉपिक इसमें से उठाते हैं वो आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का अध्ययन अपन करते हैं तो इसमें भारत का संविधान का अनुच्छेद 52 यह प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार हमारे भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा। संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के कारण भारत के राष्ट्रपति की स्थिति केवल संवैधानिक अध्यक्ष के समान है। हमारे भारत देश में संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संसदीय लोकतंत्रात्मक या संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के कारण हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक अध्यक्ष के समान माना जाता है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, जिनका प्रयोग वह या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति के पास में हमारे संघ की, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं उन अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से उनका प्रयोग वह करता है। तो ये तो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। जैसे ब्रिटेन का जो सम्राट होता है, ब्रिटेन के सम्राट का पद वंशानुगत होता है, लेकिन हमारे भारत देश में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर एक निर्वाचन के माध्यम से राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर चुना जाता है। अब अपन देखते हैं राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं। राष्ट्रपति बनने के लिए हमारे यहाँ पर किन किन योग्यताओं का प्रावधान किया गया है, यह योग्यताएं हमारे संविधान का अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति की योग्यताओं का प्रावधान करता है। अब ये जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं वो कौन कौन सी है, पहले नंबर पर आती है कि राष्ट्रपति बनने के लिए सर्वप्रथम जो योग्यता आती है कि हमारे भारत देश का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो भारत का नागरिक हो। दूसरे नंबर पर आती है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता। तो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरे नंबर पर आता है लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, अर्थात वह पात्र दिवालिया नहीं होना चाहिए। जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है वह योग्यताएं रखता है, वही व्यक्ति राष्ट्रपति की भी योग्यता रखता है। चौथे नंबर पर अपन देखें वह भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था में लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा। मतलब चार योग्यताएं हमारे राष्ट्रपति की बताई गई है, उन चार योग्यताओं के अंदर तो चौथी योग्यता है वह राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति भारत सरकार
लगता है या राष्ट्रपति के पद पर उसका निर्वाचन किया जा सकता है। इसके बाद में राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताओं के बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव एक निर्वाचित मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? पहला है लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दूसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो मतलब हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और हमारे जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब इन दोनों के माध्यम से ही हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब अपन इसमें बात करें कि संसद या राज्य विधानमंडलों में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो मनोनीत सदस्य हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य ही इसके अंदर भाग लेते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा संपन्न होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष है, जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आम व्यक्ति जनता और उस चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है और इन्हीं के माध्यम से इसका प्रतिशत निकाल दिया जाता है। मतलब इसे कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कौन सी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति को 50